सोलन नगर परिषद के पार्षदों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की। पवन गुप्ता ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने नगर निगम के नाम पर सोलन शहरवासियों को केवल शोषित ही किया था और सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई थी, इसलिए सोलन काफी संघर्ष के बाद भी नगर निगम नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि वे मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सोलन को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम संघर्ष समिति ठीक से इस मांग को नहीं उठा पाई है और शहर के गाँव को नगर निगम में सम्मिलित करने की मांग से माहौल बिगड़ गया है, जबकि नगर निगम बनाने के लिए गांवों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाजपा पार्षदों ने निर्णय लिया है कि वे नगर निगम समिति बनाएंगे जो नगर निगम की मांग उठाएगी। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि भाजपा पार्षदों ने नगर निगम समिति का गठन किया है, जिसमें सोलन के प्रत्येक वार्ड से 20-20 सदस्य बनाए गए हैं, जो 10 दिनों के भीतर नगर निगम की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे और उन्हें आशा है कि जल्द ही सोलन को नगर निगम का तोहफा भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि 8 पार्षद मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही जल्द ही सोलन को नगर निगम बना दिया जाएगा। सोलन नगर निगम समिति सोलन का यहाँ से हमने गठन करने की एक जो यहाँ से